जिन्हें द्वारा अतिक्रमण जी हटाने की चेतावनी दी है वो लोगों वार्निंग दिया दे कि यह अतिक्रमण फुटपाथ किया इसी जल्दी तो जल्दी ढाई ओड़ो नहीं तो वो बाद अज तो बाद जो समान लग तो उसी असें चुकी लेना तो अज सिर्फ वार्निंग दिया दे दुकानदारें की जिन्हें फुटपाथ पर कब्जा कीते दा और जो फुटपाथ रेडी बिल्कुल लाइव तस्वीर दिखा दे शहीदी चौक दसाने म्युनिसिपल कौंसल की जी टीम है तो बिल्कुल शहीदी चौक पुजी इस जिन्हें लोगों फुटपाथ पर कब्जा कीते दा है उन्हें अज चेतावनी दिया दे कि फुटपाथ पर तुस अपना अपना समान ढाई लो अन्यथा दोबारा जल्द आने तो थोड़ा समान चुकी भी सकते जिदे कारण नुकसान भी हो सकता बिल्कुल लाइव तस्वीर से दिखा दे कठुआ एसपी कठुआ दिखा दे कि जिन्हें फुटपाथ पर कब्जा कीते दा उन्हें अज वार्निंग दिया दे कि अपने अपने फुटपाथ जो खाली किया जाए अन्यथा जल्द दोबारा दिखे जाएगा कठुआ पुरानी गल है सैकेंडरी स्कूल को अज अतिक्रमण म्युनिसिपल कौंसल ने हटाना शुरू किया हा जिला पुजे शहीदी चौक और शहीदी चौक लोकें चेतावनी दिया कि फुटपाथ जरा खाली कर दौ लोकें आने जाने रस्ते तंगी नहीं हो फुटपाथ खाली करो इंदा गलान सिर्फ फुटपाथ खाली करो ताकि लोकें आने जाने कोई परेशानी नहीं हो फुटपाथ खाली कराने को पहले सड़क खाली कराओ सारा कुछ कट्ठा चलता यह नहीं है फुटपाथ जिंया स्वच्छ भारत अभियान सारा चले रहा सड़कों पर जरूर बारी पी है पर गलियों के अज तक कोई नहीं आया इक्की वार्डों के सर्वे करो फुटपाथ खाली होना बहुत जरूरी है पर उस तो पहले सड़क खाली होनी बड़ी जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सड़क खाली हो यह दुकानदार ने इंदा माल आना इो सड़क उपर आना इो फुटपाथ उपर आना मीन टाइम यह आई इन अपनी कार्रवाई कर देना यह भी इंदी कार्रवाई इंटर सारे और भी सोल्यूशन करो हर चीज की हर प्रॉब्लम जी भी है हर एक प्रॉब्लम की मद्देनजर लाओ काम करो मतलब फुटपाथ करना रोड भी खाली कराने बिल्कुल सारों फुटपाथ भी खाली होने चाहिए रोड भी खाली होने चाहिए ताकि लोगों को फॉलो होना चाहिए असें भी करना करना इन्हें भी है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अस गवर्नमेंट के देनदार नहीं है ये हैं जी जी इन्हें साढ़े को पहले फॉलो करना रूल फिर असें करना Gracias.
इनवाइट कर ही लाने। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी गर्मी में हमारे साथ अपना टाइम निकाला। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया, तो आज हमने एक आप इसको बोल सकते हैं एक सेंसिटाइजेशन ड्राइव थी, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे थे कि जो फुटपाथ है उसको खाली रखें और जो जगह जगह पे अतिक्रमण किया हो उसको वहाँ से हटाएं। तो उसके तहत आज ये हमारी तरफ से एक ड्राइव चलाई गई है। तो इन फ्यूचर भी मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि अपना फुटपाथ जो है क्लियर रखें, रोड पे अतिक्रमण ना करें। और हमने आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि हमारे सफाई कर्मचारी जब सफाई करके जाते हैं तो जब दुकानें खुलती हैं वो वापस आगे गंद वहीं पे जो डंपिंग पॉइंट बने होते हैं वापस वहीं पे गंद पड़ा रहता है और पूरा दिन वो वहाँ पे गंद पड़ा रहता है। इसलिए मेरे लोगों से अपील है कि एक टाइम रखें, उस टाइम पे अपना सामान जो निकाल के जो हमारी गाड़ी भी अगर जा रही है वहाँ पे दे दें, नहीं तो हमारे डस्टबिन लगे उस पर डालें ताकि हम शहर को स्वच्छ बनाने में थोड़ा अपना योगदान भी करें। आप बताएंगे एक ही बार अभियान चलता है उसके बाद ये ठप हो जाता है। अब ये नगरी अड्डा वाला रोड जो है कोट रोड, वहाँ भी बहुत गंदगी है, रेड़ियाँ रास्ता बंद कर देती हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है और हर फुटपाथ पर कब्जा किया जा रहा है। अभी आप हमारी तरफ से देखेंगे कि आगे आगे जो होगा ये जो ड्राइव है हमारी है ये कंटिन्यूस चलती रहेंगी, चाहे हम इसको वीकली चलाएंगे या हम इसको हफ्ते में चार दिन या तीन दिन के बाद फिर भी चलाएंगे, लेकिन अब ये कंटिन्यूस अफेयर रहेगा। इसलिए मेरी लोगों से यही अपील मैं बार बार करूंगा कि सामान जो है फुटपाथ पर ना रखें और रोड पर इंक्रोचमेंट ना करें। सर लोगों की एक प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि आजकल जो सफाई कर्मचारी गलियों में जाके गलियों की सफाई नहीं कर रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए इसमें ऐसे जैसा अभी चलते चलते भी कई लोगों ने बोला, देखिए रास्ते में चल के कंप्लेंट करना वो एक उनका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफिस में आ सकते हैं अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है। हमने अपना एक ग्रीवियंस सेल बनाया हुआ है जिसमें वहाँ पे आगे कंप्लेंट लिखाई है कि अगर वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं जा रहा तो हम देखेंगे उसमें इशू क्या है। जैसे आप सभी को पता है सफाई कर्मचारियों की शॉर्टेज भी है हमारे पास, तो हमें कुछ एरियाज मैनेज करने पड़ते हैं, जैसे कहीं फटीक लगानी पड़ती है, जहाँ कहीं अल्टरनेट डेज पे भेजने पड़ते हैं, तो उसके तहत हम वो कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए हम वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में खड़े होकर बोल देना कि यहाँ नहीं हो रहा, अगर एक दिन सफाई नहीं होगी तो आप देखेंगे कि शहर का हाल ऐसा बन जाएगा कि फिर आप बोलेंगे कि इतनी गंदगी है। सर इनिशिएटिव को देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये अब हमारा एक कंटिन्यूस अफेयर रहेगा। ये आज हम इस रोड पे चल रहे हैं, कल शायद हम पालीवन रोड वाली साइड चलेंगे, हटली मोलवाड़ी साइड चलेंगे, नगरी वाली साइड चलेंगे, तो ये एक कंटिन्यूस अफेयर रहेगा। हफ्ते में दो तीन दिन हम जो है ये ड्राइव करते रहेंगे। देखिए मानसून से किस तरह से तैयारी कर रही है, देखिए मानसून से पहले जो नगर परिषद ने अपनी तरफ से जितनी ड्रेन्स थी मैक्सिमम जो बड़ी ड्रेन्स थी वो क्लियर करवाई थी। अब होता क्या है कि जब हम ड्रेन क्लियर करवा देते हैं तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी आता है अपनी दुकान की सफाई करता है या खाली बॉटल्स लेता है पॉलीथीन लेता है कहाँ फेंक देता है, ड्रेन में फेंक देता है, वो ड्रेन ऑटोमेटिकली जाके किसी पॉइंट पे चोक हो जाती है, जब वो चोक होती है तो फिर पानी बाहर आता है। इसलिए मेरी अपील यही है कि जो अपना कचरा है वो डस्टबिन में ही फेंके। बाकी जैसे रही बारिश की मानसून की बात, तो हमने जैसे अभी तक जो है 12 वार्ड में फॉगिंग भी करवा दिया और आगे भी हम जितने वार्ड बचे हैं वहाँ भी फॉगिंग करवाते रहेंगे और कंटिन्यूस जब तक ये सीजन चलता रहेगा फॉगिंग भी करवाएंगे। और जैसे ड्रेन्स का इशू है तो ड्रेन्स में हम जैसे आपने बताया कि जो जो हमें कंप्लेंट आती है हम उसको ऑटोमेटिकली जो है डायरेक्ट करते हैं अपने सेंट्रल इंस्पेक्टर को कि वो उसका संज्ञान लेके वो उसको क्लियर करते हैं और ये हम रूटीन बेसिस पे भी जो है ड्रेन क्लियर का काम चलता रहता है। बिल्कुल देखिए 120 माइक्रोन के नीचे जो है जो प्लास्टिक पॉलीथीन आता है वो बैन है, तो इसके तहत हमारी जो ड्राइव अलग से भी चलेगी। और आज भी हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे पॉलीथीन थोड़ा बहुत जो शॉपकीपर्स हैं जिनके पास मिला था हमने उनसे लिया, और आगे उनसे अपील यही है कि 120 माइक्रोन के ऊपर वाला ही पॉलीथीन यूज़ करें, उसके नीचे पॉलीथीन वो यूज़ ना करें। सर नारियल दूध भी ये बार बार लगते हैं, तो इन पर किस तरह से कार्रवाई रहेगी और क्या करेंगे? कोई नहीं, आने वाले टाइम पे जो इनके इनको डायरेक्शन दी जाएंगी कि अपनी दुकान को ही रेंट पे लेके वहीं काम करें, फुटपाथ साइड पे जो इंक्रोचमेंट ये कर रहे हैं वो इनको डायरेक्शन दी जाएंगी यहाँ से हटा लिया जाए। आज का जो अतिक्रमण अभियान हटाना है यह बड़ा अच्छा हुआ। नए नए हमारे सीओ साहब आए अमित शर्मा जी, यंग हैं, युवा हैं, और हमारी भी इनसे बात हुई थी आज सुबह कि जितने भी हमारे जो शहर में फुटपाथ हैं इसको खाली कराया जाए और जितने भी जो फुटपाथों के ऊपर जितनी भी इंक्रोचमेंट हुई है बिल्कुल खाली कराए। मैं आपके माध्यम से अपने शहरवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ क्योंकि फुटपाथ जो है वो रोड पर चलने के लिए है। जो हमारे हमारी बहनें माताएँ बहनें बच्चियाँ हमारी कहाँ चलेंगी, आप देखो क्या हालत है इन फुटपाथों की। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग जितने भी हैं जो बाहर से आए हैं इनकी जो इनके ऊपर जो कार्रवाई लीगल कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और मैं सीओ साहब को अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग यहां पर अभी 10-15 दिन से आपने ज्वाइन किया है, तो आप लोग जो जो ये कार्रवाई कर रहे हो बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हम लोगों का जीना यहाँ पर बेहाल है। हम लोग कहाँ रोड पर, अगर हम लोग आप खुद देखो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर रोड पर लगी हुई हैं, कई हमारे बच्चे साथ में
हमारा जो आर एस जाती स्कूल है, लिटिल इंडिया स्कूल है, कितने जहाँ पे स्कूल्स हैं, बच्चे जो जहाँ से पैदल जाएंगे कैसे जाएंगे, आप हमें बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 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 स्टेप है, जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, बड़ा अच्छा है। आगे आगे देखो हमारे डीसी साहब ने कि आदेश पे यही सारी जो कार्रवाई हो रही है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि स्वस्थ भारत अभियान जो है, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री साहब का जो सपना है स्वस्थ भारत अभियान, तो स्वस्थ उन्होंने बोला है तो उसके ऊपर अमल हम लोगों ने करना है। अगर उन्होंने बोला तो अमल हम लोगों ने करना है। आप लोग देखिए कि यहाँ कितना पॉलीथीन है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के रेड़ी फड़ी वाले हैं, जितने भी हमारे दुकानदार हैं, वो पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। जो हमारा देसी जूट का बैग है जो, उसको इस्तेमाल कीजिए। जो आप आपके पास कोई कस्टमर आता है, अगर वो आपसे 200-400-500 रुपये का सामान लेता है, तो 500 रुपये का बैग देने में किसी को कोई हितायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नहीं फ्री देना है, कस्टमर से चार्ज कीजिए 500 रुपये। यही एक लास्ट का जो अल्टरनेट है। तो जो 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 इन्होंने अतिक्रमण चलाया है, बड़ा अच्छा स्टेप है। तो मैं आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, कि आप जो हमारे छोटी मोटी अगर कोई भी कोई त्रुटि हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो, आपके माध्यम से ही समाज को, हमारे अवाम को, हमारे शहरवासियों को पता चलता है। जय हिंद, जय भारत, जय।